नहीं, तो कौन जा रहा है इस वक्त कटेरे में, मुझे बताइए। ओके रवि का अगला नंबर आपका है कटेरे में जाने का, पहले मैं पहुंच जाता हूँ, आप फॉलो करते हुए आइएगा जी। बिल्कुल वेरी गुड लारे, तुम्हारे कपड़ों से मैचिंग के गुब्बारे भी रखे हुए हमने। थैंक यू सो मच सर, अप्रिशिएट इट। हाँ, जाते हुए ले जाना। डन हो गया सर। डन एंड डस्टेड। रवि का कटहरे में आ चुकी है मदीरा जी, तैयार हैं? जी तैयार। इल्जामात लग रहे हैं आपको? कोई मसला नहीं है, लगते रहते हूं। लगते रहते? ओके, आज सामना करने का वक्त है। अच्छी बात। रवि का, आपने इंस्टा पर 1 मिलियन फॉलोअर्स कितने के खरीदे? खरीदे नहीं है। खरीदे नहीं है? सारे ऑर्गेनिक हैं। सारे ऑर्गेनिक हैं जी। लाइक देसी अंडा ऑर्गेनिक? हाँ एग्जैक्टली। है ब्रोकली की तरह कोई नहीं है फार्म में बना हुआ? नहीं। गोभी जैसे खालिस? नहीं, सारे ऑर्गेनिक हैं। सारे ऑर्गेनिक हैं जी। फिर ये कौन लोग हैं जो कि इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने 1 मिलियन? लोगों का इल्जाम लगाना। अगर खरीदती तो कितने के खरीदती? खरीदती नहीं कभी। कितने के मिलते हैं? मुझे ये नहीं पता क्योंकि कभी खरीदे ही नहीं। कभी नहीं खरीदे, कुछ नहीं पता। क्या यहाँ किसी को मालूम है फॉलोअर्स कितने के बिकते हैं? लारेब ने सबको उंगली का इशारा करके कह दिया चुप रहना। नहीं नहीं, मैं कैमरे में आ भी चुका है, लारेब ने सबको कहा है चुप, कोई नहीं बताना। चले कोई बात नहीं, लारेब पे जब इल्जाम लगेगा तो ये भी पूछा जाएगा। खैर, रवि का टिकटॉकर्स फाइनल क्यों नहीं जीत पा रही हैं? जीत जाएंगे इंशाल्लाह ये सीजन। नहीं जीत तो जाएंगे, लेकिन क्यों क्यों नहीं जीत पा रही? क्या वजह है? किस्मत में नहीं था। सारा इल्जाम आप लगा रही हैं किस्मत पर जी? नहीं, हम कोई कोताही नहीं, आप लोग 100% मेरी भी होगी, सबकी होगी, मे भी हमने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ओके ओके गुड, चले ठीक है। आपने एक गाना बनाया था पार्टी वाली नाइट जी, दोबारा सुना जी मेरा खुद का गाना है, दोबारा सुना ऑब्वियसली आपसे पूछा जा रहा है भाई, दोबारा सुना जी? सुना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, लेकिन लोगों का इल्जाम ये है कि उन्होंने दोबारा नहीं सुना। कोई मसला नहीं है। रुकेंगी तो नहीं? नहीं, अगला गाना आएगा, करती जाऊंगी इंशाल्लाह। अनाउंस कर दीजिए इंशाल्लाह, आने वाला आएगा, है आएगा, काम हो रहा है जी, जरूर। वेरी गुड, हो रहा है। जलने वालों जलो, कुड़ो सड़ो। रवि का, 5 साल के बाद अपने आप को कहां देख रही हैं? गेम शो ऐसे चलेगा के अलावा? डॉक्टर बनना है मुझे। इसके अलावा एजुकेशन कंप्लीट करनी है। एजुकेशन कंप्लीट करनी है, डॉक्टर जो कि आपने बताया आपके चल रहा है अभी मेडिकल में। इंस्पिरेशन क्या है आपकी? 3 डॉक्टर्स के मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से बताइएगा मुझे, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन या डॉक्टर फिरदौस आशिकावान? डॉक्टर आमिर लियाकत से इंस्पायर है, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, जबरदस्त तरीके, बेहतरीन भाई, आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिल गया, आमिर भाई वी लव यू। अब रवि का, अगर आप शुरू से गेम शो का हिस्सा नहीं होती तो फिर आज कहाँ होती? घर में ही होती। घर में ही होती जी। मतलब ये जब शाताश सर ने पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें अदाकारी का शौक है, वो एक्टिंग कर रही होती। आपका गाना भी आया है तो आप सिंगिंग नहीं कर रही होती? सिंगिंग कर रही होती, बट ये तो अभी नया नया शौक पैदा हुआ है कि सिंगिंग भी कर सकती हूँ। तो कोई गाना जो है वो 2 लाइनें सुना दीजिए। हाँ, ऐसी तालियां, अपना गाना रवि का सुनाने लगी है, तालियां। चले नबील कोर्ट के नहीं जाएगा, कान पकड़े नबील ने। रवि का, आप बेफिक्र रहे हैं, आप सुनाएं। नहीं, यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, जिनको सुनना है वो जाके। हमें सुनना है? नहीं तो जाके सुन ले, मैं यहाँ पे भी म्यूजिक नहीं है, वो नहीं है, एक माहौल होता है ना। 2 लाइनें सुना दें? नहीं अनकंफर्टेबल। अपना गाना खुद गाने में आप हिचकिचा रही हैं? नहीं, हिचकिचा नहीं रही अभी, माहौल। ये इल्जाम लगा हुआ है आप पे और हुसैन ने वहां से इशारा भी किया है कि नहीं गाना। नहीं, अब आप या तो उसकी बात मान रही हैं या अपना गाना गाने में हिचकिचा रही हैं। मैं खुद की मान रही हूं, मुझे अभी नहीं गाना, म्यूजिक नहीं है ना, मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम मान रहे हैं ये बात, लेकिन इशारा करने के बाद आपने ये बात क्यों? नहीं नहीं, ये मैंने पहले ही कहनी थी। चलें फिर इसी से रिलेटेड एक सवाल भी हमारे पास, बताइएगा क्या हुसैन आपका भाई है? नहीं, मेरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है जी, ठीक है, चले सही है, मेरे ख्याल में इतना काफी है, काफी है इतना। थैंक यू सो मच रविका, रविका के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिए उन्होंने और बहुत ही कड़वे सवाल थे रविका के लिए, अभी तक के सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल रविका के लिए हुए। लारेब, और कौन आ रहा है अब? लारेब, ओ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, आहा आइए लारेब, वो नहीं है। ओके लारेब यहाँ आ चुके हैं और आप पे लगाए गए इल्जाम भी मेरे पास आ चुके हैं। ओहो, ये वैसे ये आज की निस्बत से ये वाला सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लारेब पूछ लेता हूँ। पहले तो ये बताइए कितने लोग इस वक्त आपको इस हाल में देख रहे हैं? सर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। एक नंबर ऐसी लमसम फिगर, लाइक
इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 3 मिलियन तकरीबन 35-40 लाख लोग देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप अभी थोड़ी देर में जाके उन्हें टैग भी कर देंगे तो देख रहे होंगे जी। ठीक है, आप सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पर खर्च करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल। आज क्यों नहीं किए? बस सर आज स्पॉन्सर्ड था ना। स्पॉन्सर्ड था तो फिर ये सही कैसे हो गया? अगर आप स्पॉन्सर्ड कपड़े पहन रहे हैं तो आज कैसे कर रहे हैं कपड़ों पे ज्यादा? नहीं, मैं खर्चा करता रहता हूँ नॉर्मल डेली वेयर पे। ब्रांड्स पसंद है आपको? नहीं सर, जो जहाँ से अच्छा लग गया वो मैं वहाँ से परचेज। ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? ब्रांड कॉन्शियस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कपड़ों की वर्थ आप खुद बनाते हैं? कपड़ों की वर्थ आप खुद बनाते हैं, यानी आप लंदन से भी कपड़े खरीद लेते हैं? बिल्कुल खरीदे हैं आपने, ये बात सही है, बिल्कुल फैक्ट। जूते भी खरीदे हैं वहाँ से? दो दफा खरीदे, वेरी गुड। वहाँ कोई और सेलिब्रिटी आपको मिला? जी। कौन मिला? सना पूछा। मैंने सेलिब्रिटी का पूछा है, कोई सेलिब्रिटी मिला? नहीं, यही मिली भाई, यही मिली थी। चलें ठीक है, चलें कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब मुझे अगला सवाल आपसे करना होगा, जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हैं क्या वो अभी यहाँ मौजूद है? मतीरा प्लीज स्टॉप ब्लशिंग। मैं कहाँ से आ गई? क्या वो अभी यहाँ इस वक्त मौजूद है? हो सकती है, हाँ या नहीं? सर टू बी प्रिसाइज जवाब तो नहीं दूंगा। मैचिंग कपड़े आपके फॉलोअर्स को जवाब चाहिए भाई साहब, अगर खरीदे हुए नहीं है तो जवाब दें। नहीं सर, फॉलोअर्स खरीदे हुए नहीं, मैंने अर्न किए। अर्न किए ना, तो आप जवाब दें उन्हें जवाब का हक है। हाँ है, है। बहुत सारी तालियों में लारेब को हम वापस भेजेंगे। नबील आप यहाँ आ जाइए, लारेब आप नबील की जगह जाके बैठ जाए। हाँ लारेब नबील की जगह जाके बैठ जाए। अब सवाल खत्म। ये इतना खुश हो रहा है तो क्या है? तो इनसे नहीं करने, ईशा और ये भी तो है ना, अभी तो ईशा भी बाकी है। ओके नबील, वेरी गुड। क्या इल्जाम है मेरे पर? कौन है ये शख्स? शेरवानी में से बाहर निकालो, नबील को बुलाओ। वो अंदर दबा हुआ है। ठन ठन ठन। कितने सेकंड्स में आप यहाँ से वापस अपनी जगह पे जा सकते हैं? सर डिपेंड करता है पैसे कितने मिलेंगे ये करने के। लारे मेरी जान बैठ जाओ, वहाँ कीले नहीं लगी हुई, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, कीले नहीं है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। थैंक यू। ये लो, ये ले लो। कितने सेकंड में आप अपनी जगह पे वापस जा सकते हैं? सर डिपेंड करता है कितने पैसे मिलेंगे, अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो भाग के भी जा सकते हैं। वेरी गुड, हमें इस बात का अंदाजा हो गया नाजरीन के नबील पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल आप कितने सेकंड में वहाँ जा सकते हैं, हमें कैलकुलेट करना है। सर आपकी स्पीड के ऊपर ये सवाल। 12 से 15 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अरे वाह, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। और इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो गया है। हुसैन